अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बम्सी बरक अलब, जिसको उर्दू में बाबर भी कहते हैं, और तुगरल गाजी ड्रामा सीरियल का सबसे इंटरेस्टिंग किरदार है। दो तलवारों से दुश्मन पर आंधी बनकर टूटने वाला बम्सी की बहादुरी अगर आपने ड्रिलर्स अर्तुगरल में देखी है तो ज़रूर आप जानते होंगे। लेकिन क्या उस्मानी तारीख में वाकई में बम्सी नामी कोई शख्स था या ये एक अफसानी किरदार था? क्या बम्सी बरक अर्तुगरल का साथी था और इसका काई कबीले से क्या ताल्लुक था? इन्हीं सवालात के जवाब और बम्सी बरक की हकीकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात का आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और साथ में खड़े बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। बम्सी बरक अगोज़ तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। बम्सी की ज़िंदगी के बारे में अगोज़ तुर्कों की मशहूर किताब देदे कुरकत में भी लिखा हुआ है। देदे कुरकत के मुताबिक बम्सी अगोज़ शहजादे बेबोरे का बेटा था। बम्सी के बारे में तारीख में बहुत कम मालूमात मिलती हैं, लेकिन दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बम्सी बरक की शादी एक अगोज़ सरदार बेबीचन की बेटी बानो चिचक से हुई थी। शादी के अगले ही दिन बम्सी बरक के वालिद ने देखा कि बम्सी का खेमा फटा हुआ था और बम्सी बरक अपने सिपाहियों समेत गायब था। असल में उस दिन बम्सी बरक को बाजनीति सल्तनत के सिपाहियों ने पकड़ लिया था और उसको किले में कैद कर लिया था। इसी तरह बम्सी ने अपनी ज़िंदगी के 16 साल बांस्तीनी कैद में गुजारे। जेल में कैद के दौरान बम्सी बरक की एक शहजादी के साथ प्यार हो गया और शहजादी ने जेल से फरार होने में इसकी मदद की। अर्तुगरल में बम्सी बरक को जेल से फरार होने में एक शहजादी की मदद के बाद और बाद में इसकी शादी को भी दिखाया गया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बम्सी बरक अपनी ज़िंदगी में कभी भी अर्तुगरल से नहीं मिला और ना ही बम्सी अर्तुगरल के दौर में ज़िंदा था। इस किरदार को ड्रिलर्स अर्तुगरल और कुरलोस इस्मान में दिखाने का ये मकसद था कि इस अजीम तुर्क जंगजू को खराज तहसीन पेश किया जाए और इसकी बहादुरी को लोगों के सामने रखा जाए। बम्सी बरक तुर्क तारीख का एक अजीम किरदार है और बहुत सी लोक कहानियों में इसका जिक्र मिलता है। ख़ास तौर पर तुर्कों की तारीख की मशहूर किताब देदे कुरकत में बम्सी बरक के बारे में कहा गया है कि वह जिस्मानी तौर पर मजबूत इंसान, इसके साथ साथ वह एक नरम दिल इंसान भी था। बम्सी की मुजैया ज़िंदगी अर्तुगरल ड्रामे में भी दिखाई गई है। ड्रामा सीरियल ड्रिलर्स अर्तुगरल में बम्सी का किरदार अदा करने वाले अदाकार नूरुद्दीन स्वाम्स थे और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये किरदार निभाया है। बम्सी बरक के बारे में दस्तयाब मालूमात बहुत कम हैं, लेकिन अर्तुगरल गाजी में बम्सी बरक एक बेहतरीन घुड़सवार और जंगजू के तौर पर दिखाया गया है जो अपनी दो तलवारों से दुश्मन पर कहर बनकर नाजल होता है। इसके साथ साथ बम्सी का मजैया किरदार भी काफ़ी दिलचस्प है। अर्तुगरल ड्रामे में बम्सी की शादी बाज़ंतीनी गवर्नर की बेटी हरीना से हुई थी और हकीकी ज़िंदगी में भी बाज़ंतीनी शहजादी से बम्सी को प्यार हो जाता है, जिसका नाम हलीना बताया जाता है।